fake news. But it's real. The new era has begun. We are here to learn coding. And this platform comes for you free coding videos and various projects. Guys, you can believe us. We are here for code. So let's get started. Enjoy the video, guys. तो गाइस स्वागत है सभी का मेरे एक नए वीडियो में। गाइस ये वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है इस सीरीज़ का। जैसा कि हमारा सीरीज़ चल रहा था गाइस एक गेम प्रोग्राम के ऊपर जिसका नाम था दी स्टार वॉर्स गेम। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं हम अपना गेम सीरीज़ जो हमारा चल रहा था, और आज हम ऑलमोस्ट कम्प्लीट करेंगे इस गेम को। तो इसलिए गाइस अच्छे से देखिएगा, केयरफुली देखिएगा। एंड गाइस इसी के साथ चलिए शुरू, पहले हम क्या करेंगे, हम अपने पिछले प्रोग्राम जहाँ तक हम पहले बनाए थे उनको उसको चेक करेंगे कि हम कहाँ तक बनाए थे, और उसमें जो भी बग्स थे वो सब हम देख लेंगे एक और बार। हम रिमाइंड ऑफ हो जाएंगे बस कि हम पहले कहाँ तक थे। तो गाइस देखिए कोलिजन हुआ, हम यहाँ तक थे गाइस। प्लेयर हमारा चल रहा था, हमने प्लेयर बनाया था, एक स्क्रीन बनाया था और हम एनिमीज़ को मूव करा दिए थे। एंड प्लस गाइस कोलिजन, वी डिटेक्टेड द कोलिजन गाइस विद द एनिमी, बुलेट एंड एनिमी के बीच में हमने कोलिजन कर दिया था। और अब इस वाले वीडियो में गाइस हमें मेनली स्कोर्स देने हैं और हमें इमेजेस देने हैं। तो हम क्या कर रहे थे गाइस, हम पहले बैकग्राउंड लगा देंगे। तो हम टर्ड डॉट बी जी पिक लेंगे गाइस सिंपली। तो टर्ड डॉट बी जी पिक लिए तो हम पहले देखेंगे हम अपना इमेजेस कहाँ रखें। देखिए गाइस ये तीनों इमेजेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, आप जाके ले लीजिएगा। तो मैं बीजी लिया था, इसका मैं प्रॉपर्टीज़ देखूंगा गाइस कि यहाँ का इसका डायरेक्टरी क्या है। मेरे डेस्कटॉप का ही इमेज है गाइस, ये डेस्कटॉप पे ही था तो उसका डायरेक्टरी ये है। तो गाइस ये ले लिया मैंने, ये मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। हमें ये भी ले करना है, डबल इनवर्टेड कॉमा स्ट्रिंग बनाना है गाइस, हो गया गाइस। और अब उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे डॉट बीजी डॉट जीएफ इसका एक्सटेंशन लिख देना है, बस हो गया। अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है गाइस, हम लोगों को रजिस्टर करना है, रजिस्टर दोनों इमेजेस करना है, पहले प्लेयर और एक एनिमी का। तो हम क्या करेंगे गाइस, टर डॉट रजिस्टर सेव करेंगे और उसके बाद हम मेनू वही करेंगे, हम इसका पेस्ट कर दिए। और फिर हम गाइस यहाँ पे प्लेयर डॉट जी आई एफ नहीं, पहले एनिमी का ले लेते हैं, इन्वेटर डॉट जी आई एफ, मैंने इन्वेटर से सेव किया है गाइस एनिमी को, आप कंफ्यूज मत होइएगा, रजिस्टर सेव। और फिर अपना प्लेयर गाइस कंपल्सरी। तो गाइस अपना प्लेयर क्या होगा, अपना प्लेयर डॉट जे एफ हो जाएगा यहाँ पे सिंपली, हो गया। कोई भी एरर आएगा हम बाद में देखेंगे। अब हम स्कोर्स डिसाइड करेंगे, सेट द स्कोर सिंपली। पहले हम जो जैसे रजिस्टर किए हैं तो हम हर जगह ये पुट कर देते हैं पहले वैल्यू, फिर हम स्कोर्स देखेंगे। तो हमारा कहाँ कहाँ शेप था, यहाँ हमें प्लेयर डॉट शेप देना है, प्लेयर डॉट शेप सिंपली, और भी मैं भूजा रहा हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा, इधर भी डबल इन्वर्टेड कॉमा। अरे अरे थोड़ा कीबोर्ड खराब है गाइस। हाँ चलो, इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे प्लेयर डॉट जी आई एफ देना है सिंपली। ये गेम बहुत ही अच्छा है गाइस, बहुत ही गजब है ये गेम। और इसका मेन कारण है कि आपने खुद से ये गेम बनाया है तो आपको और भी अच्छा लगेगा। फिर इसमें भी कभी तस्वीर और यहाँ इन्वर्टेड डॉट जी आई एफ हो गया गाइस। यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज हमने पुट कर दिए, बुलेट का कोई इमेज नहीं लिया है हमने, ये सब हो गया यहाँ पे। अब कहीं नहीं पेस्ट करना है, ओप्सो हो गया। और हम रन करके एक साथ ही देखेंगे, लेकिन रिकमेंडेड है आपको कि आप हर जगह रन करके देखें, इसलिए मैंने बोल दिया अभी रन करके देख सकते हैं। स्कोर इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हम स्कोर को सेट टू ज़ीरो कर रहे हैं, सेट द स्कोर टू ज़ीरो कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, सिंपली हो गया। अब हम स्कोर को ड्रॉ करेंगे, अब टॉप कॉर्नर पे हम स्कोर्स को ड्रॉ करने वाले हैं गाइस, गेम के टॉप कॉर्नर पे हो गया। अब हम स्कोर्स को जैसे हम सबका लिखे हैं, सबको ड्रॉ किए हैं पेन से, उसी तरह हम इसको ड्रॉ करेंगे। पहले हम टर्टल ले लेंगे हो गया। और हम अब इसको यहाँ पे छूट गए गाइस, अब हम इसको कॉपी कर लेंगे गाइस स्कोर पेन को, क्योंकि हम लोगों को बहुत बार यूज़ आएगा ये, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। अरे यार यहाँ पे स्नोर है, सो सॉरी गाइस, स्कोर पेन तो ये हो गया। सी रेप्लिकेट किया, आठ बार
देखते हैं कितना बार योगा काम करती है, कितना बार भी 6-7 बार करती है अपने। अब हम स्पीड लेंगे जरा कॉन्स्टेंट रहने के लिए, सुनिए। फिर अब हम कलर लेंगे, इसका कलर आप कुछ भी लीजिए, मैं वाइट ले रहा हूँ। कलर के बाद पैनअप कर दीजिए गाइस, पैनअप। अरे यार पैनअप कर दिया, उसके बाद अब हम सेट पोजीशन करेंगे। तो -290, -290, -280 कैलकुलेटर है, जैसा कि मैंने कहा है आपको हर वीडियो पे, तो मेरा सब कुछ बहुत कैलकुलेटर है। यहाँ पे हम पेन नहीं लेंगे गाइस, हम स्कोर स्ट्रिंग लेंगे। स्कोर स्ट्रिंग फंक्शन है गाइस ड्रॉ करने के लिए, सिंपली मतलब स्कोर्स को वैल्यू के तौर पे ड्रॉ करने के लिए गाइस। बहुत इजी फंक्शन है जो हम लोग को टर्टल मॉड्यूल की तरफ से दिया गया है। मैं टर्टल डॉक्यूमेंटेशन दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके चेकअप कर सकते हैं गाइस अगर आपको प्रॉब्लम है अभी भी इस पे। तो अब मैं ये स्कोर्स अपन ने दे दिया, अब हम लोग यहाँ पे परसेंटेज स्कोर देंगे सिंपली। अब हम ड्रॉ करेंगे, अब हम ड्रॉ करेंगे स्कोर पेन डॉट राइट, राइट फंक्शन है राइट करने के लिए, राइट लिखने के लिए सिंपली, जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा। तो हम पहले स्कोर स्ट्रिंग को लिखेंगे, उसके बाद फॉल्स मतलब ट्रू या फॉल्स, मतलब जो डिसाइड करेगा कि कितना उससे बढ़ा अपना स्कोर। उसके बाद अपन यहाँ पे अलाइन लेफ्ट कर देंगे, जैसा कि मैंने बोला टॉप लेफ्ट टॉप कॉर्नर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होगा अपना ये। फिर मैं फॉन्ट दूंगा, फॉन्ट आप जो भी दे दीजिए, मैं जो मुझे याद रहता है हमेशा वही मैं दूंगा, एरियल एरियल 14 उसका साइज और नॉर्मल, मतलब मुझे बोल्ड नहीं करना है, नॉर्मल ओके गाइस। उसके बाद अपन लोगों को हाइड कर देना है, ये यहाँ पे मार्क क्यों आ रहा है, शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ गाइस। एरियल नॉर्मल ठीक है, देखेंगे बाद में, पेन हाइड करके यहाँ पे देखते हैं। और जैसा कि मैंने बोला इसका काम ये है, ये हो गया स्कोर्स, मतलब लगभग अपना हो गया। यहाँ पे स्कोर्स हमें यहाँ पे भी देना है। और गाइस जब मैं इस मतलब जितना प्रोग्राम हमने बनाया था उसको देखा फिर से, मतलब फिर तो मुझे एक चीज़ गड़बड़ लगा, हमने यहाँ पे एनिमी पे एनिमी स्पीड नहीं दिया है, उसकी वजह से एक ग्लिच हो रहा था गाइस। मैंने बताना हम जब फायर कर रहे थे और जब कोलिजन हो रहा था बुलेट का एनिमी से, तो एनिमी रह के जा रहा था इधर उधर, मतलब रेंडर इधर उधर रेंडर रह के कर रहा था, लेकिन हम लोग को एट इंस्टेंट रेंडर कराना। तो गाइस यहाँ पे आप इंस्टेंट के लिए एनिमी डॉट स्पीड 0 कर, यहाँ पे एक और वैल्यू दे दीजिए, आपके लिए सही रहेगा और इस गेम के लिए भी सही रहेगा। अब हम गाइस थ्री प्लेयर में सब कुछ में दे दिए हैं जैसा, अब हम लोगों को एक और जगह ये कोलिजन जहाँ पे होगा उसी के बाद अपना स्कोर्स रहेगा, मतलब जैसे जैसे कोलिजन होगा वहाँ वहाँ वैसे वैसे स्कोर्स आ जाएंगे। तो हम यहाँ से स्कोर को अपडेट कर देंगे, तो स्कोर को अपडेट करते गाइस हम लोगों का रहेगा इक्वल टू 10, मतलब एक उस पर 10 स्कोर्स बढ़ेंगे उस हिसाब से। और उसके बाद स्कोर स्प्रिंग अपना रहेगा, स्कोर स्प्रिंग रहेगा इक्वल टू सेम गाइस ऊपर वाला एस स्कोर अपना ये है, और फिर परसेंटेज एस, फिर अपना परसेंटेज एस, और उसके बाद परसेंटेज स्कोर मेनली परसेंटेज स्कोर, और हो गया फिर इतना। फिर अपन स्कोर पेन लेंगे और उसके बाद क्लियर कर देंगे सब कुछ को पहले, फिर हम स्कोर पेन लेंगे डॉट हम राइट लिखेंगे, ये कॉपी करो गाइस अपना कौन लिखेगा उसको कॉपी कर लो, ये हो गया। हम लोगों को इसमें चेंज क्या करना है, ये लेफ्ट रहेगा लाइन स्कोर स्ट्रिंग्स फॉल्स नहीं करना है कुछ हम लोगों को, हाँ यहाँ पे ये आ गया, इसको हमको टिक कर देना, ज़्यादा ब्रैकेट्स आ गया था गाइस हो गया, और इधर दो ब्रैकेट आ गया तो उसको एक ब्रैकेट करना हो गया, हो गया होप सो। और अब हम लोगों को अच्छा हो गया, हो गया टच हो गया, अब हम देखते हैं चेक करते हैं कि अपना एरर कहाँ गया क्या आया। तो अपन लोगों का अच्छा ये देखिए गाइस, ये मेरे पीसी पे एक एरर आता है गाइस, जब भी मैं कोई डायरेक्टली लिखता हूँ किसी भी चीज़ का, अगर मुझे पुट करना है कोड्स पे, तो मेरा ये अनबाउंड एरर आता है, अनकोड स्केप एरर। इसका अगर आपके पीसी पे ऐसा आता है गाइस, ये एक्सेप्शन एरर है गाइस, अगर आपके पीसी पे आता है तो आप हर डायरेक्टरी के पहले आर लिख दीजिए, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, देखिए आर मैंने कर लिया, मैं सब जगह कर्सर अल्ट कर्सर से किया हूँ, इसलिए हो गया ये होप सो। क्या हो गया,
हो गया है गाइस, होप सो इट इज सेव एंड लेट्स रन आवर प्रोग्राम। अब क्या लग रहा है, लाइन 30 अपना नॉर्मल इज नॉट डिफाइंड। ओके लेट्स सी, लेट्स सी गाइस हमारा नॉर्मल को क्या हुआ। हाँ यहाँ पे नॉर्मल तो मैंने तभी बोला था कि नॉर्मल में कोई दिक्कत है बोल। अच्छा हमने स्ट्रिंग्स में नहीं ना किया गाइस, मेन बात हमने स्ट्रिंग्स में नहीं किया था इसको। चलिए लेट्स सी एक और एरर लाइन 31 यहाँ पे क्या दिक्कत है। यहाँ गाइस अपने डॉट नहीं दिया है शायद, हाँ ये अपन ने डॉट दे दिया। अच्छा देखिए गाइस कितना सिली मिस्टेक था। अब अपन रन करके देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। इसका नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इस वाले प्रोग्राम का, मतलब ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। लेट्स सी तो गाइस देखिए ये अपना गेम है, ये देखिए सारा कुछ आ गया अपन लोग जो चाहते थे, बैकग्राउंड आ गया अपना और उसके बाद अपना इमेजेस आ गया सब कुछ और फिर अपना ये भी फायर भी हो रहा है, सब कुछ सही है नो एरर। एक बार पोजीशन देख लेते हैं और स्कोर सब अपना स्कोर यहाँ पे देखिए गाइस, स्कोर है अपना सब कुछ ये देखिए। तो गाइस यहाँ पे अपना एरर आ गया था, अपना स्कोर नहीं बढ़ रहा था जैसा कि आपने देखा था पिछले बार जब मैंने गेम प्रोग्राम खोला था। तो गाइस यहाँ पे कुछ नहीं था, अभी वी एस कोड में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है गाइस। अगर आप कोड लिख रहे हो तो आपका फोकट का मार्क आ जाता है नीचे, कुछ वी एस कोड पे ही प्रॉब्लम है गाइस, मैंने फीडबैक पे भेजा है पता नहीं। तो गाइस आप देख सकते हैं आप ये अपना 10 हुआ बढ़ा गाइस। ये दूसरा बढ़ा देखिए 20 हुआ ये देखिए। तो गाइस ये अपना गेम था, हम लोगों ने अभी तक साउंड ऐड नहीं किया है और कुछ कुछ बग्स हैं वो नहीं फिक्स किए हैं, तो वो लास्ट आखिरी वीडियो में वो सब फिक्स होगा। ये वीडियो ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो था, लास्ट मान के चलिए। ये देखिए अपना एक बेहतरीन गेम तैयार हो चुका है गाइस। तो इसी के साथ गाइस फॉर द नेक्स्ट वीडियो अपकमिंग वीडियोस आते रहेंगे ऐसे ही नए प्रोग्राम। अब हम नया प्रोग्राम चालू करेंगे, अभी तक अगर आप नए हो अपने चैनल पे तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लाते रहते हैं गाइस, आप मेरे वीडियो पे विज़िट कर सकते हो। और इस वीडियो के लिंक पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको GitHub का लिंक मिल जाएगा और अगर आपको डाउनलोड करना है मेरे इमेजेस तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और कुछ के लिए आपको अगर और कुछ देखना है जानना है तो आप मेरे वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हो गाइस, वेबसाइट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो इसी के साथ गाइस बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।